आज हम अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। इससे पहले हमने व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया और व्यंजन संधि से पहले हमने स्वर संधि का अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारी अंतिम संधि का प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि उससे पहले हमने जो स्वर संधि पढ़ी थी और व्यंजन संधि पढ़ी थी, उसमें क्या होता था, स्वरों में, स्वर संधि में क्या होता था कि स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता था, तब तो स्वर संधि होती थी। और व्यंजन संधि में क्या होता था कि उसमें स्वर स्वर के साथ में अगर व्यंजन मिलता तो व्यंजन संधि होती, और व्यंजन के साथ अगर स्वर मिलता तो व्यंजन संधि होती, और व्यंजन के साथ अगर व्यंजन मिलता तो व्यंजन संधि होती। यहाँ क्या होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ या तो मिले स्वर या मिले व्यंजन, इन दोनों परिस्थिति में अगर ये मिलते हैं तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में है वो अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो रेड बटन दिख रहा है उससे दबा करके सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नियम नंबर पहला जो ये कहता है, बस विसर्ग संधि किस तरीके से बनती है कि इधर तो विसर्ग हो, अर्थात विसर्ग के साथ में अगर स्वर और व्यंजन कोई भी अगर मिल जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। बस ये ध्यान रखना है। तो विसर्ग के साथ अगर च या छ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, अगर यहाँ इधर विसर्ग हो और विसर्ग के साथ में च या छ मिल जाते हैं तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, यह श बन जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। जैसे अनिश्चय है तो इसका संधि विच्छेद अंग जब करते हैं तो ये बनेगा निहिधन चय, निहिधन चय। तो इधर क्या है, इधर विसर्ग है और इधर च है, तो जब ये विसर्ग और च का मिलन होगा तो इस विसर्ग को चे की वजह से क्या हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा, श में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका स्वरूप जब संधि युक्त करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, दुश्चरित दुहधन चरित्र, तो इधर दुह आएगा, दु ह ये विसर्ग आएगा, ठीक है, और इधर चरित्र होगा, तो इधर च मिल गया विसर्ग के साथ, जैसे विसर्ग के साथ च मिलता है तो यहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, तालव्य श बन जाएगा। ठीक है, ज्योतिष चक्र, ज्योति ही धन चक्र, निश्चल निहिधन छल, निहिधन छल, च और छ दोनों मिले, च और छ जब दोनों मिलते हैं तब क्या हो जाता है, इनका च और छ के साथ मिलते ही विसर्ग का बन जाता है श। तपश्चर्या तपह धनचर्या, अंतश्चेतना अंतह धन चेतना, हरिश्चंद्र हरि धन चंद्र, हरि ही धन चंद्र। ठीक है, ये तो है नियम नंबर पहला। नियम नंबर दो क्या कहता है कि अगर विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ श का मेल होता है, यदि विसर्ग के साथ ये पुनः किसका मेल करवा रहा है, श का मेल, उधर तो च और छ के मिलने से श का निर्माण हो रहा था, श बन रहा था किसके, च और छ के मेल से, और इधर क्या कह रहा है कि विसर्ग के साथ अगर श का मिलन होता है तो विसर्ग के स्थान पर भी क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। अगर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के साथ में अगर श मिल रहा है, ये विसर्ग है इधर पहला और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो श है, तो भी इस विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, श बन जाएगा, श तालव्य श बन जाएगा। जैसे दुशासन है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, दुहधन शासन, दुहधन शासन। तो ये ध्यान रहे कि कहीं भी विसर्ग आ जाए और इधर सामने श तालव्य हो तो इस विसर्ग का भी क्या बन जाएगा, श तालव्य बन जाएगा। तो दुहधन शासन, दुशासन, निःशुल्क, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा नी ही शुल्क, ये भी शुद्ध रूप है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी ही धन
शुल्क करेंगे। तो चूंकि इधर तालव्य श है और इधर विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ तालव्य श मिलता है, तो विसर्ग अपने ही रूप में किस में बदल जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा। तो इसका स्वरूप निःशुल्क निःशुल्क ये हो जाएगा। निश्वास निहिधन श्वास चतुश्लोकी चतुर्धन श्लोकी निशंक निहिधन शंक। ठीक है, नियम नंबर दो हो गया कंप्लीट। पहला नियम विसर्ग के साथ च या छ का मेल से क्या होता है, श बनता है। और दूसरा नियम विसर्ग के साथ में अगर श तालव्य मिलता है तो भी विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। नियम नंबर दो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नियम नंबर तीन कहता है कि विसर्ग के साथ मिलन शब्द का विसर्ग के साथ होगा, ध्यान रखना, विसर्ग के साथ ट ठ या श, श कौन सा, मूर्धन्य, मूर्धन्य श ट और ठ, अगर इन तीनों का मिलन होता है तो मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, मूर्धन्य श बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मूर्धन्य श बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि विसर्ग के साथ में ट ठ और श का मेल करवाना है, तो इस विसर्ग के स्थान पर श बन जाएगा। जैसे धनुष्टंग धन टंकार, धनुधन टंकार, तो इधर विसर्ग है इधर ट है, तो विसर्ग के साथ जब ट मिलता है तो स मूर्धन्य बन जाता है। इधर जैसे चतुष्टिका है, चतुर्धन टीका, चतुर्धन टीका, तो इधर विसर्ग है और इधर ट वर्ग है, ट वर्ण है, तो विसर्ग के साथ जब ट मिलता है या ठ मिलता है तो ये विसर्ग क्या बन जाता है, स भी मिलता है इसमें, अगर स भी मिले तो भी ये क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का स बन जाएगा, अर्थात मूर्धन्य स बन जाएगा। नियम नंबर तीन ये कंप्लीट होता है। नियम नंबर चार ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग जो होता है विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ आ के अतिरिक्त, यानी अ आ नहीं हो, अ और आ नहीं हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो, तो विसर्ग के स्थान पर श मूर्धन्य बन जाएगा। ये क्या कहता है कि इसमें अ आ नहीं हो, आगे वाले नियम में पढ़ेंगे कि इससे अ आ हो और बाकी कोई नहीं हो। तो इस नियम के अंदर क्या कहता है कि विसर्ग के साथ अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, अ आ का तो अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, क ख प फ में से कोई भी हो, तो विसर्ग के स्थान पर स कौन सा, मूर्धन्य स बन जाएगा। जैसे निष्कलंक है तो इसका संधि विच्छेद कुछ होगा, निधन कलंक, निधन कलंक, इधर विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, ई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो ई है उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और इधर क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो इधर ये ई जुड़ा हुआ है और इधर क है, तो इस वजह से ये विसर्ग क्या बन जाएगा, मूर्धन्य श बन जाएगा। ठीक है, जैसे दुष्कर है तो दुहु धन कर, ऊ की मात्रा है विसर्ग से पहले और इधर क है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा, मूर्धन्य श बन जाएगा। आविष्कार आविहि धन, आविहि धन कार, विसर्ग, विसर्ग से पहले ई की मात्रा और इधर क, तो इस क की वजह से ये क्या बन जाएगा, श मूर्धन्य बन जाएगा। चतुष्पद चतुहुधन पथ, निष्काम निहिधन काम, निष्प्रयोजन निहिधन पन, निहिधन प्रयोजन, बहिष्कार बहिधन कार, ये जैसे बहिष्कार है तो इसका संधि विच्छेद होगा कुछ इस तरीके से, बहिधन कार, विसर्ग, विसर्ग से पहले इधर क्या है, ई की मात्रा है और इधर क वर्ग है, सॉरी क वर्ण है, तो विसर्ग और क मिलेंगे और इधर ई की मात्रा है, स्वर कौन सा, ई है, तो यहाँ ये विसर्ग स बन जाएगा। निष्कपट निधन कपट, ज्योतिष कण ज्योति धन कण, तो ये सारे नियम नंबर चार के अंतर्गत आएंगे। अब हमने क्या किया, इस विसर्ग के साथ में अ आ को छोड़ दिया, तो अगला जो नियम है वो अ आ को सम्मिलित कर लेगा और बाकी कोई नहीं होगा, ये ध्यान रहे। अगले नियम में क्या कहता है कि ये नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले वर्ण में अ आ, इधर तो था अ आ को छोड़ दिया, और इधर ये कहता है कि विसर्ग के साथ अगर अ आ का मिलन होता है, स्वर का मिलन होता है,
विसर्ग स्वर होते हैं तो विसर्ग के बाद कख पफ ओ तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। क्या बात कही इन्होंने, क्या है कि अगर विसर्ग के पहले वाले वर्ण में, अगर विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ आ को छोड़कर अगर कोई भी स्वर हो और उसके बाद जो मिलने वाला वर्ण है उसमें पहला वर्ण कख या पफ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, श मूर्धन्य बन जाएगा। यह तो था ऊपर वाला नियम, लेकिन दूसरा जो इसी के विपरीत नियम है जो ये कहता है कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में क्या हो, आ ए और आ, अ और आ हो तो विसर्ग के बाद में मिलने वाला वर्ण अगर क ख प फ हो तो वहाँ विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा, उसमें विसर्ग में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे अधे पतन है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो भी यही होगा, अधे धन पतन, अधे धन पतन, प्रातः काल, प्रातः धन काल। तो ये क्या आ रहा है, इधर अ की मात्रा है विसर्ग है और प है, अ की मात्रा है विसर्ग है और क है, इस वजह से ये क्या है विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। अंतःपुर पयः पान अंतःकरण, ये तो रहे इस नियम के उदाहरण, लेकिन कुछ उसमें अपवाद भी है जो विसर्ग से हट जाते हैं। जैसे नमस्कार है तो इसका संधि विशेष करेंगे तो इस तरीके से होगा, नमेदन कार, नमेदन कार, ये यहाँ पे विसर्ग हो गया। तो ये अ की मात्रा है क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब जुड़ेंगे तो ये श में बदल जाएगा, विसर्ग क्या बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। भास्कर है भाधन कार, बाहधन कार, पुरस्कार है तो पुराधन कार, ये इसका संधि विच्छेद होगा, लेकिन ये इस नियम का विपरीत है, इस नियम का पालन नहीं करता, इस वजह से ये अपवाद की श्रेणी में आएगा। बृहस्पति बृहधन पति, पुरस्कृत पुराधन कृत, तिरस्कार त्रयधन कृत, तो ये इस नियम के अपवाद है कुछ, जिनमें क्या है ये नियम लागू नहीं होता है। हालांकि संधि विच्छेद करते हैं तो वही नियम लागू होते हैं, लेकिन जब संधि युक्त शब्द बनाते हैं तो ये इसमें स में परिवर्तन होता है, स में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ विसर्ग नहीं रहता है। तो आज हमने नियम, पांच नियम पढ़े विसर्ग संधि के, अगले वीडियो में पांच नियम और लेकर आएंगे और अगले वीडियो में आपके संधि विसर्ग है वो पूरी कर देंगे। तो इन नियमों को आप अच्छी तरीके से चाहे तो आप नोटबुक में उतार सकते हैं, और इसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ जाएं, प्रत्येक वहाँ प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।